शबे बारात के मौके पर दादरी के फैज़ आम मदरसे में जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से उलेमा जुटे। इस बारे में हमें कारी मुस्तफ़ा ने बताया कि शबे बारात के मौके पर सैकड़ों उलेमा जुटे, जिन्होंने तकरीर की। देखें। तो हम लोगों के लिए बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा गनीमत वक्त हमको दिया है, ऐसी मुबारक रात हमको इस हाल में अता फरमाई है कि हमारे होशो हवास दुरुस्त हैं। जिस्मानी एतबार से हम सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं और जिंदगी के ये कीमती लम्हात हमें मयसर हैं। न जाने कितने लोग गुज़िश्ता साल हमारे साथ में इस मजलिस के अंदर, इस जगह के अंदर, इस मदरसे के अंदर मौजूद थे, लेकिन इस साल वो हमारे साथ में मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को प्यारे हो चुके हैं, इस दुनिया के अंदर से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को ये मौका दिया है और वक्त को गनीमत जानना चाहिए। ये जिंदगी आज हम जिंद यहाँ बैठे हुए हैं, न जाने हम यहाँ से उठकर जाएंगे कि हम सही सलामत होंगे या ना होंगे, तो इस वक्त को गनीमत समझे और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है इबादत के अंदर लगाए। ये बड़ी ही मुबारक रात है, लेकिन इस मुबारक रात के अंदर भी चंद अफराद ऐसे होते हैं, बाद अफराद ऐसे होते हैं जो इस रात की फिक्र नहीं करते और अपने वक्त को बाजारों के अंदर, सैरो तफरी के अंदर और गपशप के अंदर और एक दूसरे की चुगली के अंदर इस रात को साया फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात के अंदर ऐलान फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात के अंदर आसमान दुनिया के ऊपर नाजिल होता है और यह ऐलान करता है कि है कोई माफी चाहने वाला जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसको माफ कर दूं, है कोई रोगी चाहने वाला जो मुझसे रोगी मांगे और मैं उस पर रिस्क कुशादा कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा जो मुझसे मुसीबत दूर करने के लिए कहे और मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं। लेकिन हमारे आमाल ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया के ऊपर नाजिल होकर यह ऐलान करता है, मगफिरत का ऐलान करता है, रोजी देने का ऐलान करता है, मुसीबतों को दूर करने का ऐलान करता है, लेकिन हम ऐसी अजीब शान रात को इस कदर जाया करते हैं, इस कदर बर्बाद करते हैं कि अपने बच्चों को पैसे देते हैं कि जाओ बेटा ये पैसे लो और शैतानी तीर आसमान की तरफ फेंको। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान के ऊपर है, पहले आसमान के ऊपर आ चुका है और जाओ पटाखे पढ़ो और ये शैतान के तीर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब फेंको। अपने